हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द यूज़ ऑफ इज, एम एंड आर। ठीक है, इस चैप्टर पे हम लोग कहाँ पर इज यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर एम यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर आर यूज़ करना चाहिए उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, द वर्ड इज, एम एंड आर यूज टू से समथिंग। जब हम लोग कुछ चीज़ कहने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हम लोग इज, एम एंड आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, द वी यूज़ इज बिफोर ही, शी, इट, दिस, दैट एंड द सिंगुलर नाउन। जहाँ पर ही हो, शी हो, इट हो, दिस, दैट जैसी कुछ वर्ड्स हो वहाँ पर हम लोग इज यूज़ करते हैं। यानी जहाँ पर सिंगुलर नाउन हो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इज यूज़ करते हैं। क्लियर, एग्जाम्पल में देखो, शी इज़ आयशा, ही इज़ विशाल, दिस इज ए डॉक्टर। लड़की थी शी, यहाँ पर हम लोग इज यूज़ किया। विशाल ही लड़का है, ही है, इसलिए इज यूज़ किया। एंड दिस इज़ ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर की बात की गई ना, सिंगुलर नाउन ना, इसलिए वहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज़ किया, इज यूज़ किया। क्लियर, वी यूज़ एम व्हेन वी टॉक अबाउट आवर सेल्फ। जब मैं अपना बात बोलो, जब आप लोग आपकी बात बोलो तो आप लोग वहाँ पर आप लोग क्या यूज़ करेंगे, आई एम राज, राज, मैं राज हूँ। तो मैंने, ये जो राज है वो खुद की बात कह रहा है ना, तो आई एम राज। वैसे हम लोग अगर राज की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, ही इज राज। ठीक है, आई एम सुधीर, मैं सुधीर हूँ, आई एम सुधीर। तो यहाँ पे सुधीर अपना बात कह रहा है, तो इसलिए यहाँ पे उसने क्या बोला, आई एम सुधीर। आई एम पूजा, ठीक है, तो उसी तरह से ये कहा गया है। वी यूज आर बिफोर वी यूज आर बिफोर वी, दे, यू, दीज, दोज एंड प्लूरल नाउन्स। जहाँ पर वी हो, दे हो, यू, दीज, दोज, इस तरह की वर्ड्स हो, यानी जहाँ पर प्लूरल नाउन हो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पर हम लोग प्लूरल नाउन की बात हो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल, वहाँ पर हम लोग आर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल्स दिए हुए, दीज आर कार्स, वी आर फ्रेंड्स, दोज आर स्टार्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया, कार्स, एक से ज़्यादा है ना, प्लूरल है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया, आर यूज़ किया। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया, चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहा है। इज कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पर सिंगुलर नाउन हो। एम कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लोग खुद की बात करें, आवर सेल्फ की बात करें। और आर कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर प्लूरल नाउन हो। क्लियर है, तो उसी से बेस्ड आपका एक्सरसाइज है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है जहाँ पर आपको इज, एम एंड आर हो। दिस इज अ रैबिट, वी आर नॉट सिस्टर्स, आई एम अ मैकेनिक, दे आर नॉट हॉनेस्ट, एक से ज़्यादा है ना, आई एम हंग्री, ही इज टॉल एंड हैंडसम, नैनी इज अ प्रिटी गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट। समझ में आया आप लोगों को, ये आप लोगों को करना है। अब देखो, लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड। ग्रैप्स, एक से ज़्यादा हो तो वहाँ पे क्या होता है, इज होता है या आर होता है। अगर आपको लगता है आर होता है, एक से ज़्यादा होता है, आप लोग वहाँ पे आर पे टिक करोगे। अगर इज होता है तो आप लोग इज पे टिक करोगे। ये लेकिन आप लोगों को मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज आर ए काउ, तो क्या होगा, आपको करना है इसको सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे आपको करेक्ट करना है वर्ड्स में, जो सही है, आई इज एम ए ओमेन, तो क्या होगा, आई एम ए ओमेन। दीज इज आर पैरट, तो यहाँ पे देखो क्या वर्ड हुआ है, दीज, तो क्या होगा, दीज आर पैरट्स, एक से ज़्यादा है ना। ही इज अ पेंटर, वी आर फ्रेंड्स, दे आर गोइंग टू दिल्ली, दे, एक से ज़्यादा है ना इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज फिनिश हो रहा है, आपको सिर्फ एक टास्क खुद से करना है, ठीक है।